नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतीन शर्मा। चार राज्यों के साथ साथ राजस्थान का भी चुनाव परिणाम अब आ चुका है। ऐसे में तय हो चुका है कि राज्य में किसकी सरकार बन रही है। राजस्थान का जो रिवाज रहा है वो रिवाज कायम है। अशोक गहलोत भले ही चुनावी नारा दे रहे थे कि इस बार रिवाज नहीं इतिहास बदलेगा, लेकिन इतिहास नहीं बदला, इतिहास भी वही है, रिवाज भी वही है। 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन एक बार फिर राजस्थान में हो गया। लेकिन बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर जिला का। जोधपुर जिला से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं, उनका गढ़ माना जाता है। और जोधपुर जिला में ही एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस की शेरनी विधायक थी दिव्या मदरेड़ा। हम बात कर रहे हैं ओसिया विधानसभा सीट से। ओसिया विधानसभा सीट से दिव्या मदरेड़ा विधायक है मौजूदा, लेकिन जिस तरह से वो तमाम मुद्दों पर अपने ही पार्टी को घेरती नजर आती हैं, कई मुद्दे पर शेरनी की तरह चीखती नजर आती हैं, गरजती नजर आती हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या तमाम मुद्दे। शांति धारीवाल अपने जो उनके मंत्री थे उन पर भी उन्होंने कई सारे आरोप लगाए कि वह मेरे क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव परिणाम हुआ तो बीजेपी ने यहाँ से भैरव राम चौधरी को उम्मीदवार बनाया। तो भैरव राम चौधरी उम्मीदवार बने, जिसके अगर बात करें तो उन्होंने शेरनी के मुंह से जीत छीन लिया है। दिव्या मदरेड़ा चुनाव हार चुकी हैं और यहाँ पे ओसिया विधानसभा में कमल खिल चुका है। यहाँ पे कांग्रेस बुरी तरह हारी है, क्योंकि कांग्रेस की तेज तर्रार नेता दिव्या मदरेड़ा अपने आवाज के लिए जाने जाती हैं, अपने बुलंद आवाज के लिए भी जाने जाती हैं, अपनी बातों को सामने रखने के लिए जाने जाती हैं, अपने सरकार हो या विपक्ष हो दोनों पर कटाक्ष करते हुए नजर आती हैं। लेकिन चुनाव हुआ, ओसिया हम लोग भी गए थे, वहाँ के जो कांग्रेस समर्थक थे कह रहे थे काम तो बहुत हुआ है, लेकिन पानी की किल्लत से ओसिया विधानसभा जूझ रहा था। बॉर्डर से थोड़े दूर ओसिया है और कह सकते हैं कि थार का शुरुआत भी ओसिया से ही होता है। यहीं इसी के आगे ओसिया के बाद पूरा थार एरिया राजस्थान कहा जाता है। ऐसे में जिस तरह से वहाँ सड़क का भी मामला सामने आया, दूर दूर तक थोड़ा सा वहाँ पे वाहनों की दिक्कत है और अंदर जाएंगे तो पानी की दिक्कत वहाँ के जो लोकल निवासी है वो काफ़ी जूझ रहे हैं। ओसिया विधानसभा में टंकियाँ तो लगी हैं लेकिन पानी की किल्लत वहाँ पे है। तो जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं हावी दिखे और इस बार ओसिया विधानसभा सीट में कमल खिल गया है। दिव्या मदरेड़ा कांग्रेस की तेज तर्रार नेता जो शेरनी कही जाती थी, आखिरकार भैरव सिंह ने उनको शिकार बना लिया है। ऐसे ही तमाम विधानसभा खबर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर।